अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई YouTube चैनल स्वीट एंड सेवरीज बाय शेफ। सो मेरा उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को घर में अब ऐसे ड्रिंक्स बताए जाएं, सिखाए जाएं, जो आप आराम से बजट फ्रेंडली होके अपने तसल्ली से बना सकते हैं, जब गेस्ट आते हैं उनके लिए भी, और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, फ्रेश फ्रूट से बनते हैं, एनर्जी भी देते हैं, आपकी एनर्जी को बूस्ट भी करते हैं और अंदर से ठंडी तासीर भी होती है। आज हम बना रहे हैं जो पहतीन ज़बरदस्त से तीन किस्म के आज आपके लिए हम ड्रिंक्स बनाएंगे, एक से बढ़ के एक। सबसे पहला है चंकी वाटरमेलन लेमनेड। चंकी वाटरमेलन लेमनेड, चलिए आपको बताते हैं इसको कैसे बनाना। चंकी वाटरमेलन लेमनेड, बल्कि देखें मुंह से नाम भी कितना ज़बरदस्त निकल गया, चंकी वाटरमेलनेड, ये भी कितना प्यारा नाम है। ये पहले मुझे याद नहीं रहा, अभी याद आया है, वरना हम यही रख लेते। एनीवे, इसके लिए हमें चाहिए पुदीने के पत्ते, आप समझे आधा कप, क्योंकि ये रिफ्रेशिंग होगा अगर आप पुदीने से इतना अच्छा बनाएंगे। इसमें हम तुक मलंगा डालेंगे। वाटरमेलन मैंने एक लिया था, उसको मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है बींच के बगैर, और कुछ के हमने बॉल्स बना लिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर शीरा बना के रखा है, आप समझें क्वार्टर कप चीनी और 5 से 6 टेबलस्पून पानी के साथ, बस इतना कि अच्छा सा थिक गाढ़ा शीरा बन जाए। काला नमक, लेमन जूस। ये किस तरह बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, स्लश नहीं है। मैंने आप लोगों को अक्सर स्लश भी बताया है, ये लेमनेड बन रहा है। इसके लिए हमने तरबूज को सबसे पहले अपने ब्लेंडर में ऐड करना है। ये 2 कप तरबूज है, ठीक है, 2 कप्स वाटरमेलन फाइनली चॉप्ड। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ताज़े नींबू का जूस, फ्रेश प्लीज, आप समझे एक नींबू का जूस ले लो या 3 टेबलस्पून। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर कर काला नमक, टीस्पून फुल काला नमक, और इसको हम करेंगे ब्लेंड। जब ये ब्लेंड हो जाएगा इसको हम छानेंगे। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है, काला नमक और नींबू की, इसको हम छान लेंगे सो दैट जो भी एक्सेस इसका बींज वगैरह इसमें गलती से रह गए हों या कोई भी पल्पी टाइप चीज हो वो इसमें से निकल जाए। यहां पर हमने अपने 2 ग्लासेस को सेट कर लिया है, देखें इसमें हमने एक एक स्ट्रॉ लगा दिया है और एक एक स्पून। स्पून क्यों लगाया, क्योंकि इसमें हम वाटरमेलन के बॉल्स डालेंगे, तो वो खाने में आसानी होगी और स्ट्रॉ से पीने में आसानी होगी। देखें इसके जो छोटे थोड़े बहुत बींज वगैरह थे वो सारे, ये एक नीटनेस के लिए है, आप अवॉइड कर सकते हैं लेकिन अच्छा लगता है, लेमनेड है ना, लेमनेड इतना गाढ़ा नहीं होता। अब हमने क्या करना है, अच्छा शीरा जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है, वो ऑप्शनल यूं है कि अगर आपका तरबूज बहुत मीठा है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मेरा तरबूज आज मीठा इतना नहीं निकला, तो इसलिए मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बस डालूंगी, ज़्यादा नहीं बल्कि मैं 3 ही डालूंगी। बस 3 टेबलस्पून। एक चीज आपको और बताऊं, आप क्या कर सकते हो, आप इसमें गुलाब का शरबत या रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हो। इसमें हम ऐड करेंगे अपना तुक मलंगा भिगोया हुआ 2 से 3 टेबलस्पून, पुदीने के ताजे पत्ते, ये ऐसे ही जाएंगे, ये ब्लेंड नहीं होगा बिल्कुल भी, इसको आप ब्लेंड नहीं करोगे, एंड बहुत सारी बर्फ। बर्फ के भी 2 ऑप्शंस हैं, आप इसको ग्लास में भी डाल सकते हैं और ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। हटाएंगे, पहले हम अपने ग्लासेस में बर्फ ऐड करेंगे,
मैं तीनों आपको डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको अभी बर्फ को इसमें क्रश नहीं किया, क्योंकि हम दूसरा जो बनाएंगे वो है मिंट मार्गरीटा, जो बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल वाला होता है, तो उसमें हम उसका स्लश बनाएंगे। तो मैं चाह रही थी मैं तीनों आपको डिफरेंट तरीकों से बता दूँ। तो अगर यही चीज आपको ब्लेंड करनी है, आप जरूर ब्लेंड कर लें बर्फ तरबूज के साथ। ओके, ये दो स्टेप हो गए, बर्फ डाल दी, वाटरमेलन के बॉल्स डाल दिए। आपके पास कूपर नहीं है, इतनी मेहनत नहीं करना, जिस तरह से हमने इसको ब्लेंड किया था आप वो भी डाल सकते। अब हम इसमें अपना लेमनेड को फिल करेंगे। ओके, जबरदस्त सा हमारा चंकी वाटरमेलन लेमनेड या चंकी वाटरमेलनेड यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा मैंने यहाँ पर एक इसके वाटरमेलन के बॉल्स के साथ फ्लावर बना दिया था। तो ये सब आपके अपने आइडिया हैं, आपको जिस तरह चाहिए आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी अच्छी लगेगी। जब तक तरबूज है बाजार में, जल्दी जल्दी बनाएं और इन्जॉय करें। देखें तो मलंगे से, पुदीने से, काले नमक से रिफ्रेशिंग भी है और हेल्दी भी है। चीनी का शीरा आपको बता दिया, आपको ओमिट करना है, आप ज़रूर ओमिट कर दें। अच्छा, दूसरा हमारा बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आई कैन अश्योर यू, ये अभी तक आपने ना बनाया होगा ना पिया होगा। आज हम बना रहे हैं नारियल स्कंज भी। या शिकंज भी, जो भी आपके घर में कहा जाता है, इसको हम बनाएंगे फ्रेश कोकोनट वाटर और फ्रेश कोकोनट। जो फ्रेश कोकोनट इसका निकलता है उसको हमने कद्दूकस कर लिया। दो नारियल का पानी है ये, आप समझें ये 2.5 कप पानी है। ये बहुत मज़े का बनता है, इसलिए मैं ये पूरा बना रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप मिंट लीव्स। शिकंजवी है तो इसमें डालूंगी मैं घर का बना हुआ 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक, और जो हमारा शीरा बना हुआ था वो हम ऐड करेंगे इसमें 2 से 3। अगर आपको लगता है नारियल बहुत मीठा है पानी, तो फिर ज़रूरत नहीं है। ये हमने 1/4 कप सॉल्ट डाल दिया। 3 से 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ सिर्फ टेस्ट के लिए। अगर आपको नहीं चाहिए आप ना डालें, आप इसमें हनी डाल सकते हैं या आप इसमें स्टीविया स्प्लेंडा, जो भी आपको अगर स्वीटनर यूज़ करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं फ्रेश कोकोनट ऐड करूँगी, आप समझे ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, ठीक है। और इसमें भी हम 2-3 पुदीने के पत्ते डालेंगे और इस तरह से हमारा ग्लास रेडी होगा। थोड़े से ये हम सिर्फ एक डेकोरेशन के लिए के पता लगे कि हमारा ये नारियल का स्कंज भी बन रहा है। और अब इसमें लॉट्स ऑफ आइस और फिर इसको ज़बरदस्त सा हम ब्लेंड करेंगे। 1 कप जितनी बर्फ लाजमी जाएगी, ठंडा चिल होगा तो ही ठंडा ठंडा मिलेगा। थोड़ा सा नमक डाला हमने, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, शीरा 3 से 4 टेबलस्पून, पुदीने के पत्ते तकरीबन 1/4 कप, 2 से 2.5 कप जितना मैंने नारियल का पानी ऐड किया था, फ्रेश लेमन जूस यहाँ पड़ा है, ये मैं अभी आपके सामने काट के पहले एक ब्लेंड कर लूँ फिर डाल। ये देखें कितना ज़बरदस्त ब्लेंड हो गया ये। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश लेमन जूस, ये नींबू मेरा बड़ा है, आप समझे हमें तकरीबन चाहिए इसमें 4 से 5 टेबलस्पून लेमन जूस, ठीक है, बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। ये देखें जबरदस्त सा हमारा कोकोनट वाटर शिकंजवी है ना, जबरदस्त सा नया बिल्कुल मजे का ड्रिंक।
और ये इतना रिफ्रेशिंग होता है, इतना रिफ्रेशिंग होता है, खास तौर पे गर्मी में अगर आप बाहर से आ रहे हैं, बहुत मज़े का लगता है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बताएं आपको कैसी लगी। बना रहे हैं हम सबका फेवरेट रेस्टोरेंट स्टाइल मिंट मार्गरीटा। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप पुदीने के पत्ते फ्रेश बिल्कुल, 1/4 कप नींबू का जूस ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा, ठीक है, ये फ्रेश होना चाहिए, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और इसमें जाएगा, आप समझे हमने शीरा बनाया हुआ है, 1/2 कप चीनी, 1/4 कप पानी का, 1/2 कप चीनी, 1/4 कप पानी। आपने टेक्सचर देख लिया, अच्छा थिक थिक होना चाहिए और इसको मैं बनाऊंगी बहुत सारे बर्फ के साथ। अच्छा, मैं अपने मार्गरीटा में पानी नहीं डालती, मैं इसी से इसको बनाती हूँ। आपका दिल चाहे आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन आप देख लेना ये इतना ज़बरदस्त खुद से ये बन जाता है। इसको मैं सिर्फ बर्फ के साथ बनाती हूँ, जो होता है बर्फ का ही पानी होता है। स्लशी, जाहिर है रेस्टोरेंट वाला बिल्कुल स्लशी होता है, तो उसके लिए पानी हम ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। और आपको इसको इतना ब्लेंड करना है कि सारी बर्फ आपकी बिल्कुल अच्छे से क्रश हो जाए और जबरदस्त। कुछ नहीं डालते रेस्टोरेंट वाले, आप यकीन करें, यही शीरा होता है, पुदीना होता है, बहुत सारी बर्फ होती है, लेमन जूस मस्त ताज़ा और काला नमक, दैट्स इट। ये देखें बिल्कुल बिल्कुल आपने इसको जबरदस्त सा स्मूथ ब्लेंड करना है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, जब कहा है कि रेस्टोरेंट वाला है तो फिर वैसे ही होना चाहिए। देखें इस स्टेप पे अगर आपको चाहिए आप थोड़ा और पुदीना डाल दें, अगर आपको बहुत डार्क, मुझे बहुत डार्क कलर नहीं पसंद है, मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही खूबसूरत सा कलर पसंद है। ये देखें सारी बर्फ हमारे ब्लेंडर में ब्लेंड हो गई है और ये प्रॉपर बिल्कुल स्लश टाइप का बन गया है, रेस्टोरेंट स्टाइल मिंट मार्गरीटा। हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मिंट मार्गरीटा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप हल्का सा मजीद टचअप दे सकते हैं मिंट के लीव्स के साथ। आई होप ये रेसिपी अच्छी लगेगी, फटाफट ये बनाएं और मुझे जल्दी से बताएं हमारे जो फेमस यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है उसकी तरह बना है या नहीं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत सी ऐसी ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ जो कि क्विक एंड ईजी बन जाती हैं और ख़ास तौर पे समर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।